चलो, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी, व्हाट वी आर गोइंग टू सी, आज मैथमेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट बताने वाला हूं, सीए फाउंडेशन का, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन रियल लाइफ, जहां पे आप एफएम पढ़ोगे या अकाउंट्स में भी, व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ मनी, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब आज की वैल्यू, आज की वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम लोग बोलेंगे टुडेज वैल्यू। और ये इन्वेस्ट करने के बाद सम इंटरेस्ट रेट, देखो बेटा ये लाइफ में बहुत जरूरी है कि आप पैसा लोन के माध्यम से लगाओगे, तो यहां पे प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट करेंगे सम इंटरेस्ट रेट लेके, तो हमें कितनी फ्यूचर वैल्यू मिलेगी, या उल्टा मुझे इतना पैसा फ्यूचर में चाहिए तो आज मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा। सो आइदर और से आप लोग जाने वाले हो, आप आइदर और से जाने वाले हो। सो ये होती है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। अभी मैं प्रेजेंट वैल्यू को पीवी करके बोलूंगा एंड फ्यूचर वैल्यू को एफवी करके बोलूंगा। सबसे पहले हम लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ध्यान देके सुनना प्लीज। मोहम्मद जी आपको अनम्यूट कर दीजिए खुद को। वन टाइम इन्वेस्टमेंट मींस टुडे, समझ लीजिए एकदम सिंपल, आई इन्वेस्ट ₹100 एवरी ईयर, टेन% इज इंटरेस्ट रेट, एवरी ईयर को पर एनम करके बोला जाता है, वी कॉल इट एज पर एनम। सो टुडे आई इन्वेस्ट ₹100 एवरी ईयर, आई एम गेटिंग 10% इंटरेस्ट एवरी ईयर, सो व्हाट इज द अमाउंट दैट आई विल गेट बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट। सो ₹100, 10 इन द ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10, 10, therefore my future value is 150। बट बेटा वी आर नॉट यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट, वी यूज इन मैथमेटिक्स कंपाउंड इंटरेस्ट, मीन्स यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। सो दिस इज वेरी सिंपल। सो ₹100 आफ्टर 1 ईयर आई विल गेट 100 + 10, 110। इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर आई विल गेट 100 + 10 प्लस 10%, दैट इज ₹11, 121। आफ्टर 3 ईयर्स 121 प्लस ऑन कैलसी 10%, 133.1 प्लस 10% इज 146.41 प्लस 10% इज 161.051। सो बेटा आफ्टर 5 ईयर्स आई विल गेट 161.051। बट सर एवरी ईयर वी कैन नॉट कैलकुलेट लाइक दिस। सो इन मैथमेटिक्स वी हैव वन फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। फॉर्मूला इज हाउ टू डिराइव इट बेटा, इट नीड्स
एपीजीपी फॉर्मूला रेशियोज एंड ऑल. सो बेटा वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है. फ्यूचर वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर, ग्रेटर है तो मल्टीप्लीकेशन है. सो यू कैन थिंक इन दिस वे, फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होती है. सो ज्यादा कब होगा, जब डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा. सो प्रेजेंट वैल्यू इंटू इंटू वन प्लस आर रेस टू एन, वन प्लस आर रेस टू एन इज द फॉर्मूला. सो प्रेजेंट वैल्यू इज 100. हाउ मेनी ईयर्स के बाद आपको चाहिए, आर इज 10%. नाउ हाउ टू कैलकुलेट 10%, 10/100. सो ऑन कैलसी यू विल गेट 0.1. 12% मीन्स 0.12. 15% मीन्स 0.15. यू कैन डू ऑन कैलसी 15/100. एंड वॉट इज 5%? इट इज नॉट 0.5 बट इट इज 0.05. यू कैन टेक ऑन कैलसी 5/100, इट इज 0.05. सो हियर 10% मीन्स 0.1. देन बेटा आई वॉन्ट वैल्यू आफ्टर 5 years. मुझे वैल्यू कब चाहिए, आफ्टर 5 years. हाउ टू डू इट ऑन कैलसी, 1.1 इंटू is equal to, if it is 5 years, you have to multiply by is equal to 4 times, less than 1. तो आपको 1.1 raised to 5 आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो is equal to 4 times करोगे. सो 1.1 इंटू 1, 2, 3, 4 इज इक्वल टू 5 times. यू आर गेटिंग द आंसर 1.61051 इंटू 100. सो आंसर इज 1.61051. यस. सो फॉर्मूला विल सेव माई टाइम. काजल प्लीज वॉच दिस लेक्चर वंस अगेन. अभी वापस मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत डिटेल में किया है, तो आप वापस से एक लेक्चर वापस देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा. हाँ जी बेटा, हाँ वो तो इन्फ्लेशन, वो नहीं, वो इन्फ्लेशन वाइज, वो ऐसा मत सोचिए. ठीक है, 4 times क्यों किया, बिकॉज बेटा 1.1 इंटू कैलसी के दिमाग में एक बार बैठ गया. करण प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने आप को. यस, 1.1 इंटू मतलब कैलसी के दिमाग में एक बार तो बैठ गया, एक हो गया, मतलब और कितनी बार चाहिए अपने को, 4 बार. इसलिए is equal to 4 बार करना है. नेहा समझ में आया बेटा? सो 1.1 इंटू एक बार कैलसी के दिमाग में बैठ गया, आपको चाहिए टोटल 5, उसमें से एक बार बैठ गया, तो और कितनी बार इज इक्वल टू करना पड़ेगा फिर? यस, वेरी गुड. ये मैथ्स में हुआ ही है आपका, ऐसा ही सिखाया ना मैथ्स के फैकल्टी ने. हाँ जी बेटा, ठीक है. सो अभी नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, इन्वेस्ट टुडे. ओके, अरे बाप रे, इन्वेस्ट टुडे ₹1,000 और 1,500, हाउ मच वन टाइम, ओनली वन टाइम, हाउ मच
is the future value after 8 years at the rate of 15% per annum. Everyone will answer it. Now this is your question. Yes, send your answer beta. 1500 rupee one time invest kiya. What is the formula? Yes, this is a formula. Correct answer is 1500. कैसे करोगे? 1.15 इंटू नेहा इज इक्वल टू कितनी बार दबाएगी? है? ओके, चेक द आंसर. Check the answer. सबका आया क्या 4588? Yes, anyone who is not getting it? जिसको नहीं समझ में आ रहा है बताओ बेटा. नहीं समझा तो कैल्सी मैंडेटरी ऐसा यूज करना है. कैसियो कैल्सी यूज मत करना. शिवा आया क्या बेटा तेरा आंसर? क्यों नहीं आया? कौन सा कैल्सी बता. ले कैल्सी पे 1.15 इंटू इज इक्वल टू ऐसा 7 बार दबा. नहीं बेटा कैसे आएगा फिर? कैल्सी गलत है तेरा. 1.15 ले 1.15 इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3.05 आ रहा है क्या? कैल्सियम में गड़बड़ है. कल फेंक दे फिर. यह आना चाहिए बेटा, ये आना चाहिए. दूसरा कैल्सी ले और ये आना चाहिए. देख ऐसा नहीं होगा, तू बताएगा क्या मुझे? तू जरा वीडियो बताता है तेरा कैल्सी के ऊपर फोकस लेके. मैं बताता हूं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, फिर मैं बता दूंगा कैल्सी में गड़बड़ है क्या नहीं. कैल्सी के ऊपर फोकस डाल. अरे हर्षा ये क्या बीच में ही कैमरा ऑन करता है? हाँ बेटा कैल्सी पे फोकस ले. कैल्सी बता मुझे, कैल्सी का कैमरा में कैल्सी बता. हाँ ले. एक तो उसका डायपर निकाल दे पहले, तो वो कवर निकाल दे पहले. कवर क्यों डालना है बेटा उसको? हाँ ले कैल्सी पे 1 पॉइंट बता उधर से. 1 पॉइंट हाँ 15 कर. 1.5 इंटू हाँ इज इक्वल टू का बटन दबा. इज इक्वल टू बीच में. हाँ 1, 2, 3, 4, 5 किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना. इंटू इज इक्वल टू मैंने लिखा इधर. इंटू इज इक्वल टू 7 बार दबाना था, तो दूसरा ही कुछ दबा रहा था बेटा. 1 पॉइंट ले वापस से ले. 1 पॉइंट ले 1.15 कुछ नहीं बेटा. कैल्सी में खराबी नहीं है, तेरे हाथ में खराबी है. 1.15 इंटू का बटन दबा, इंटू का और इज इक्वल टू का बटन दबा. अभी
सात बार, एक, हाँ आ गया ना, इनटू 1500 कर, आया क्या? हाँ, कैल्स में प्रॉब्लम नहीं बेटा, तुम्हारे में प्रॉब्लम था। चलो ओके, क्या गलती कर रहा था तू? कुछ भी कर रहा है मतलब क्या? देखिए राहुल तेरे पे कमेंट मार रहा है, हाथ फेंक के दूसरा ले चलेगा। चलो कोई बात नहीं, समझ में आया क्या? इजी ओके हाँ। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम यूजिंग मोबाइल कैलकुलेटर। वेरी गुड बेटा, देन यू आर वेरी इंटेलिजेंट गाय। ओके मल्ली, सो यू डू इट ऑन मोबाइल एंड टेल मी व्हेन यू विल गेट द आंसर। ओके, अभी मोबाइल अलाउड है क्या मल्ली? क्या तुम भी कमेंट मारते हो यार। चलो नाउ, फर्स्ट डे पे बताया यूज कैलकुलेटर, सो यू विल गेट डेफिनेटली रॉन्ग आंसर। मोबाइल में यू विल नेवर गेट द आंसर। कैल्स एंड मोबाइल फंक्शंस आर डिफरेंट। नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो नाउ दिस इज अ, यस बेटा, दिस इज फर्स्ट टाइप, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। दिस इज टाइप नंबर वन। नाउ टाइप नंबर टू, व्हाट इज टाइप नंबर टू? इफ आई इन्वेस्ट रुपीज 100 पर एनम एंड हाउ मच आई विल अर्न आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम द बिगिनिंग। हा नहीं तो फ्रॉम द एंड करता हूं पहले, फ्रॉम द एंड, आफ्टर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%। दिस इज टाइप नंबर टू। इफ आई इन्वेस्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ईयर जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव, टेल मी वेदर आई एम इन्वेस्टिंग 100 रुपीज वंस और एवरी ईयर। एवरी ईयर, सो 100 रुपीज हियर, 100 रुपीज हियर, 100 रुपीज हियर, 100 रुपीज हियर एंड 100 रुपीज आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड। सो जीरो से नहीं करना है, फ्रॉम द वन लेना है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स? 3, 4। सो वी आर कैलकुलेटिंग 100 रुपीज, वी आर इन्वेस्टिंग 100 रुपीज एवरी ईयर एंड वी आर कैलकुलेटिंग वॉट इज द वैल्यू एट द एंड, बट ऑब्वियस इट इज मोर देन 500। यूज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस है कि 500 रुपए से आंसर ज्यादा ही मिलेगा, करेक्ट है? यू विल गेट मिनिमम 500। नो, 100 100 100 100 100, तो 500 तो मिलने ही वाला है। 500 प्लस समथिंग इंटरेस्ट। नाउ टेल मी, 100 रुपीज यू आर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यू आर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आदित्य, अभी ये तुझे कौन से ईयर के एंड में आंसर चाहिए? यू वॉन्ट आंसर एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, तो कितने साल आगे जाना है तुझे आदित्य? यस, आंसर इट। 100 रुपीज आपने आज इन्वेस्ट किया, 4 साल बाद, वेरी गुड। सो 1.1 रेस टू 4। अजय, ये 100 रुपीज तुझे कितने साल मिलेगा? यू आर इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, यू वॉन्ट एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, तो कितने साल मिलेगा बेटा तुझे आदित्य?
1.1:3 तीन साल बाद. दिस 100 रुपीज यू इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, यू वॉन्ट इट आफ्टर 5 ईयर्स. तो करीना कितने साल बाद चाहिए? आफ्टर 2 ईयर्स. बराबर है करीना? करीना है क्या गई? हाँ बोले ना, जल्दी जल्दी बोलो. लिपि, ये 100 रुपीज यू इन्वेस्टेड एट द रेट एंड ऑफ फोर्थ ईयर, तुझे कब चाहिए? 5th ईयर के एंड में. तो कितने साल बाद बेटा? 1 ईयर. एंड दिस 100 रुपीज लिपि आफ्टर 0 ईयर्स. करेक्ट है? अभी इसका कैलकुलेशन करो. अभी 1.1 कैलसी पे कितनी बार इज इक्वल टू दबाओगे? यू विल प्रेस 1.1 इनटू 100 इज इक्वल टू कितनी बार इनटू सॉरी 1.1 इनटू इज इक्वल टू कितनी बार? 3 टाइम्स. हाउ मच यू आर गेटिंग बेटा एवरी वन ऑफ यू? 146.51. से यस और नो? हर्षा क्या रे बेटा, 1.1:4 मतलब इज इक्वल टू यू विल प्रेस फॉर 3 टाइम्स, स्टिल यू आर गेटिंग 1.61. चेक तो कर यार, अभी इतना सिंपली बता रहा हूं मैं. 1.1 इसको करो रेस टू 3 मतलब इज इक्वल टू कितनी बार दबाओगे? 2 बार. इज इक्वल टू सो इनटू 100, 133.1. से यस और नो? नेक्स्ट, 1.1 इनटू इज इक्वल टू ओनली वंस इनटू 100, 121. 100 इनटू 1.1 110. And this is 100. Anything raised to 0 is 1. 100. Take a total. So total is, take on calci, 146.41 plus 133.1 plus 121 plus 110 plus 100. What is the total? 610.51. Are you getting the same answer? Yes. Sir, this is very lengthy method. Every year we have to do this calculation. Is there any shortcut? Yes. Now what is a shortcut? Shortcut is formula. This is called as future value of annuity. And you will use the formula at the end. You will use the formula at the end. FVA, future value of annuity. What is the formula? A into, sir, instead of present value, hamara upar kya tha? Present value. We will use A into 1 plus R raised to N. That will be same. Minus 1 divided by R. Now you have to by heart this formula. Every year kitna tha Karina? 100. Every year I am investing 100. Bol Karina fatafat. Every year I am investing 100. Are bolo yaar ye kidhar se na. बीच में से गायब मत होते जाओ रे, फिर पूरा ना लिंक टूटता है. लिपि एवरी ईयर कितना बेटा? 100. व्हाट इज आर? 10%. 1.1. यस और नो? फॉर हाउ मेनी इयर्स यू आर गेटिंग दिस अमाउंट बेटा? 5 ईयर्स. Minus 1 and R is 0.1. Let's check it. 100 into 1.1 raised to 5.
1.1 into how many times is equal to Lippi? What is the answer? 1.61051. Please, please, please. Okay. Pavitra, mute kijiye. Yes. So 1.61. Kushali ji, please, please, video ko stop karo. चलो माइनस वन डिवाइड बाय पॉइंट वन, माइनस वन डिवाइड बाय पॉइंट वन, दिस इज कॉल्ड एज एन्युइटी फैक्टर, फ्यूचर एन्युइटी फैक्टर. कितना आया फ्यूचर एन्युइटी फैक्टर? 6.1051 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. You will get the same answer, 610.51, which is easy. Every year or beta shortcut of formula, which is easy? Formula shortcut. I am giving you one more answer question. So one more time, future value of annuity. Why this is called as annuity? Because every year you are investing annuity into 1 plus r raised to n minus 1 divided by r. Again, future value of annuity into 1 plus r raised to n minus 1 upon r. Again, future value of annuity into 1 plus r raised to n minus 1 divided by r. Again, 5 times yaad karne ka. Future value of annuity a into 1 plus r raised to n minus 1 divided by r. Future value of annuity, yes Aditya, a into, Aditya, 1 plus r raised to n minus 1 divided by r. Chalo, abhi invest rupees 5000 per annum for 3 years at the rate of 15%. Chalo, calculate fast. Chalo, calculate karo. This is your question of the day. Aaj humne dekha future value of simple problem, one time investment, annual investment, annuity. चलो देखते हैं कौन सबसे तेज आंसर दे रहा है. एन्युइटी इनटू 1.15 रेस टू 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.15. One 7362.5 is the correct answer. With the wrong answer, beta. Please check it. 5000 से कम कैसे आएगा बेटा? Minimum with the answer देने के पहले सोचना चाहिए. 5000 I am getting for 3 years. तो 15000 तो minimum आने ही वाला है. 5000 का 3000 कैसे हो जाएगा? सोच के बोलना पड़ेगा ना विधि. 5000 तीन साल तक, मतलब मिनिमम 15000 तो आंसर आएगा ही आएगा. विधि हां या ना? अरे विधि बोलो जल्दी.
Yes, very good. Okay. Mobile, please don't use it. It's my request. हाँ चलो, आई होप यू एंजॉय टूडे सेशन. टूडे वी कवर्ड ओनली एन्यूटी एंड सपोज दिस एन्यूटी इज एट द बिगिनिंग, इसके लिए आपको सर्च करना है. एंड बेटा नेक्स्ट सेशन में आई विल एक्सप्लेन यू वॉट इज द प्रेजेंट वैल्यू एंड आई विल गिव यू हिंट फॉर इफ इंस्टेड ऑफ दिस इज एट द एंड इफ आई एम गेटिंग दिस अमाउंट एट द बिगिनिंग. At the beginning, so I'm investing this amount from the beginning, that is from zero year. What will be the my future value? ये हम लोग देखेंगे next session में. Thank you, bye bye, take care. और maths से डरना मत बेटा. Yes, maths बहुत easy है, एकदम easy subject है, पर आपको logically सोचना पड़ेगा कि ये होता क्या है. Yes, I have doubt how many subjects to be studied in a day. All four subjects, recorded lecture आ जाएगा. Sir, आप maths भी बहुत अच्छा पढ़ाते हो. थैंक यू बेटा धैर्य. इतना भी अच्छा नहीं पढ़ा तो बेटा आई एम नॉट अ मैथ्स टीचर. आपको लगता है कि मैं मैथ्स टीचर हूं करके अंजलि. यस बेटा अंजलि, अंश आपको. यस अच्छा ओके अच्छा ठीक है बेटा पक्का. यस चलेगा, मैं दिन भर भी बस अभी उतना ही रहेगा बेटा बीओएस में. मारेंगे पकड़ के वो लोग, बाकी फैकल्टीज को क्या निकाल देना है क्या. चलो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं आपको लॉजिक बताऊंगा. सो नेक्स्ट सेशन में बेटा वी विल मीट टुगेदर विद दी कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या बताऊंगा बेटा मैं आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. सो नेक्स्ट सेशन में प्रेजेंट वैल्यू हम लोग करेंगे. ओके रिकॉर्डेड लेक्चर ये अपलोड कर दूंगा मैं थोड़ी देर में. यस थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय.